जाता है। ये जो दीवार देख रहे हैं, तो इस दीवार के आगे आगे वो मदन चोपड़ा भागता रहता है और उसके पीछे पीछे अजय शर्मा यानी कि शाहरुख खान भागते हैं। जब मर्द मूवी शुरू होती है तो उसके अंदर इस किले को दिखाया जाता है। ये जो किला है, ये देखो, ये सीढ़ियाँ हैं जो जब अंग्रेज़ इस किले को लूट के जाते हैं, अपने देश को लूट के जाते हैं, तो वो सोना चांदी लेकर आते हैं। तो ये वाला जो ये जो सीढ़ी है ना, इन सीढ़ियों से वो लोग उतर कर आते हैं और यहाँ उनकी एक कार खड़ी रहती है और बाकी यहाँ पे टैंक खड़े रहते हैं, उधर शायद एक तोप लगी हुई थी ऊपर, तो यहाँ पर खड़े रहते हैं वो लोग। तो यहीं से वो लोग इसको लूट कर जाते हैं। फिर उसके बाद में जो ये सामने, ये जो आप सामने का एरिया देख रहे हो ना, ये वाला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सन 1993 में एक मूवी आई थी शाहरुख खान जी की, जिसका नाम है बाजीगर। बाजीगर ओ बाजीगर, वो गाना बड़ा अच्छा है इस मूवी का। तो उस मूवी की शूटिंग लोकेशन मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इसके साथ में ही मैं अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी है मर्द, मर्द तांगे वाला हूँ मेरा दोस्त ऊपर वाला, तो मर्द मूवी की शूटिंग लोकेशन भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि एक वीडियो में दो शूटिंग लोकेशन। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ जानकारी के लिए, अभी मैं हूँ समुद्र के पास में और इस जगह को बोलते हैं मड आइलैंड। तो मैं आपको बाजीगर मूवी के वो सीन दिखाने वाला हूँ जब लास्ट में लड़ाई होती है, क्लाइमेक्स सीन है, जब शाहरुख खान के पेट में वो एक सरिये की रोड चली जाती है और ऊपर वो दीवार के ऊपर भागते ना किले के ऊपर, तो वो वाले सीन दिखाने वाला हूँ। और मर्द मूवी के वो सीन दिखाने वाला हूँ जब मूवी स्टार्ट होती है तो वो लोग अंग्रेज लोग होते हैं जो वो लूट के ले जाते हैं और काफ़ी लोगों को मार देते हैं, टैंक से गोलियों से मार देते हैं, तो वो वाले सीन दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ, मेरा नाम मनीष है और आप मनीष ढाडोली यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उसके माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद में कमेंट कर दीजिए। और मैं आप लोगों को इस जगह की बात करूं, लोकेशन जहां पे शूटिंग हुई है, तो उस लोकेशन की मैं बात करूं तो लोकेशन है महाराष्ट्र के मलाड से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, मुंबई महाराष्ट्र के मलाड से, तो उस जगह का नाम है मड फोर्ट। वहाँ पर इस फिल्म, ये दोनों फिल्में हैं, इनके सीन्स शूट किए गए हैं। तो यहाँ का नज़ारा एक बार आप देखिए, यहाँ का ये नज़ारा है, ये समुद्र है और यहाँ पर बड़ी बड़ी नाव चल रही है इसमें मछुआरों की। देखो यहाँ पर ये कुछ समुंदर का जो कचरा होता है, जो इसमें से सीप वगैरह आते हैं, तो वो सारे यहीं पे आ जाते हैं। देखो शंख, देखो ओ भाई शंख शंख शंख, इसके अंदर पानी है, ये देखो ये शंख है, ये अच्छा नहीं है, नहीं इसको ले जाता मैं, सही नहीं है, ख़राब है। तो ये देखो ये समुंदर है और समुंदर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पहले भी मैं कई जगह समुंदरों पर गया हूँ। ओह तो चलिए हम लोग चलते हैं लोकेशन देखने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं किले पर, तो आप लोग देखना रास्ते हैं जो यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक है, कहाँ कहाँ फिल्म वाले शूट करते हैं। ओए ये देखो भाई, काफ़ी ख़तरनाक जगह है। वैसे यहाँ पर लोग आते हैं, अब ये पता नहीं मछुआरे आते हैं या फिर देखने के लिए लोग आते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो रास्ते आप देख रहे हो, ये रास्ते बने हुए हैं, ये किले की दीवार है ना, जो किले की दीवार के साइड में एक रास्ता बना हुआ है। ये देखो यहाँ पर शायद कोई एक स्पॉट होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे इस समुंदर में नाव चल रही है दूर दूर तक। तो चलो हम किले की तरफ चलते हैं। क्या लग गया पैर में, पैर में कुछ लग गया मेरे। दोस्तों आप लोग कहते हो ना कि यार वीडियो बनाने में कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो भाई देखो इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो में। मेरा मकसद नहीं था दिखाने का रास्ता वगैरह, पर मैं आप लोग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को पता लगे कि वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रास्ते देखो,
अगर बंदा नीचे गिर भी जाए ना तो मछलियों का खाना या मगरमच्छों का खाना बन सकता है। मगरमच्छ का तो पता नहीं, पर मछलियों का, सार्क वगैरह, वहल वगैरह, तो उनका खाना ज़रूर बन सकता है। काफ़ी खतरा है जाने आने में। ये देखो, ये देखो रास्ता, देखो भाई कितना खतरनाक है, मतलब चलने के लिए भी जगह नहीं है। और यहाँ पे ये पेड़ का एक टूटा हुआ हिस्सा है, इधर रास्ते में। अभी मैं पहुँच गया हूँ उस जगह पर जहाँ पर मूवी शूट हुई थी, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस जगह का नाम है मड फोर्ट। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मड फोर्ट और ये काफ़ी बड़ा किला है, तो देख सकते हो, और काफ़ी पुराना भी है। और इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं वो काले पत्थर लगे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को इस किले के बारे में जानना है तो आप गूगल पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पर फिल्म शूट हुई थी, वो लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ। किले के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। ये रास्ता है, ये सड़क है पक्की, और ये सीधी जाती है यहाँ पर हमला, यानी कि यहाँ पर जो फौज लगी हुई है, पुलिस फोर्स, तो वहाँ के लिए जाता है, वो से यहाँ पर आना मना है। ये देखो, ये किला है और इसकी दीवारें हैं काफ़ी ऊंची हैं, मोटी हैं, और इसके सामने एक खजूर का पेड़ है जो ख़त्म हो चुका है, शायद इसको काट दिया है, टूट गया होगा। और कौवे देखो इसके ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मर्द मूवी के अंदर जो ये सीढ़ी है, जब मर्द मूवी शुरू होती है तो उसके अंदर इस किले को दिखाया जाता है, ये जो किला है। ये देखो, ये सीढ़ियाँ हैं जो जब अंग्रेज़ इस किले को लूट के जाते हैं, अपने देश को लूट के जाते हैं, तो वो सोना चांदी लेकर आते हैं। तो ये वाला जो ये जो सीढ़ी है ना, इन सीढ़ियों से वो लोग उतर कर आते हैं, और यहाँ उनकी एक कार खड़ी रहती है और बाकी यहाँ पे टैंक खड़े रहते हैं, उधर शायद एक तोप लगी हुई थी ऊपर, तो यहाँ पर खड़े रहते हैं वो लोग। तो यहीं से वो लोग इसको लूट कर जाते हैं। फिर उसके बाद में जो ये सामने, ये जो आप सामने का एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, अभी यहाँ पर ये, मतलब यहाँ पर ये घास फूस, ये काफ़ी न्यार वगैरह बड़ा हो गया है, तो यहीं पर गाँव वाले खड़े रहते हैं और वो उससे बोलते हैं कि कर्नल साहब, अगर हमारे राजा आज़ाद सिंह को पता लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर जो गांव के लोग रहते हैं, तो उनको गोली मार देते हैं वो सब, और किले को लूट कर चले जाते हैं। तो मर्द मूवी में तो इतना दिखाया गया था, यहाँ पर वैसे काफ़ी सीन लिए गए हैं। मर्द मूवी जब स्टार्ट होती है तो आप लोग देख सकते हो। और अब हम लोग बात करते हैं बाजीगर मूवी की, तो उसके लिए हम लोगों को इसके किले के थोड़े सा साइड में जाना पड़ेगा। और जो बाजीगर के जो सीन शूट हुए थे, तो वो कुछ एक सीन आता है जब शाहरुख खान और दिलीप ताहिल, यानी कि वो जो मदन चोपड़ा होता है, तो वो लोग दीवार के ऊपर से भागते हैं, लास्ट में सीन आते हैं जो, तो कुछ इस प्रकार की एक दीवार होती है, पर वो ये वाली दीवार नहीं है, वो इसके बाजू वाली दीवार है, यानी कि दूसरी साइड वाली दीवार है। ऐसा भी एक सीन आता है ऐसा, पर वो सीन शायद दूसरी साइड का है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ना आप लाइक शेयर ज़रूर करना यार, काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ तक आने में। और सही बताऊँ तो अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस दो संतरा खाई थी मैंने। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बाजीगर मूवी का जो सीन लिया जाता है यहाँ से लिया जाता है। ये जो दीवार देख रहे हैं, तो इस दीवार के आगे आगे वो मदन चोपड़ा भागता रहता है, और उसके पीछे पीछे अजय शर्मा यानी कि शाहरुख खान भागते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट में देखना, ये जो ये तोप चलाने के, बंदूक गोली चलाने के ये खाने बने हुए हैं, इनको आप मैच करना स्क्रीनशॉट में। और फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर पुलिस आ जाती है, और वो जब उस गुंडे को मारने लगता है शाहरुख खान, तो पुलिस उसको उसकी माँ का वास्ता देती है, अजय तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, तो रुक जाता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर के सीन लिए जाते हैं, इसके अंदर के सीन लिए जाते हैं, तो उन लोगों में आपस में लड़ाई होती है, जब क्या होता है कि शाहरुख खान के पेट में वो
मदन चोपड़ा एक सरिये की रोड को डाल देता है, फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद में शाहरुख खान उसको गले लगाता है और वो रोड उसके पेट में घुसा देता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, ये वाला जो ये दिखेगा आपको स्क्रीनशॉट में, इसको मैच करना। उधर मैं जा नहीं सकता, उधर थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से, तो यहाँ से वो लोग दोनों नीचे कूद जाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख लेना स्क्रीनशॉट में। बाकी यहाँ पर काफ़ी सीन लिए गए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा है जो। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को बाजीगर और मर्द मूवी की शूटिंग लोकेशन वाला वीडियो कैसा लगा। ये किला है जो बंद है और ये अभी आर्मी के अंडर में है यहाँ के, तो इसके अंदर आना जाना बिल्कुल बंद है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट में, और आप लोगों के वहाँ पर कोई फिल्म शूट हुई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।